विशु, अनुराग, बिटवा। चल चल। ये दवाई तुमने दादी को दी थी, ये तो नींद की दवाई है रागिनी। मैसेज ये एक लड़की के लिए ना वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब उसका पति उसके लिए कुछ करता है, और हम वो पल छोड़ के ना वहां दादी के पास भागे थे, काहे भागे थे, उनको दवाई देने के लिए। चारों के लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है फुआ? सरप्राइज? ये तुम चारों का एयर टिकट है उदयपुर के लिए। तुम चारों हनीमून पर उदयपुर जा रहे हो। हमको बुआ जी थैंक यू सो मच। मुझे इतना थैंक यू मत बोलो, बस अच्छे से घूम के आओ, मेरा थैंक यू हो गया। सच में रोहिणी, ये तुमने बहुत ही बढ़िया सोचा। पता नहीं ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आया। सरप्राइज तो ठीक है, बाकी हम क्या कर रहे थे कि ये लोग अभी हनीमून पर नहीं जा सकता है, कहे कि हमारी पुआ का भी मनौती पूरा नहीं हुआ है। मन्नत तो दुलरिया, तुम्हारी फुआ का जो मन्नत है ना वो आज रात को खत्म हो रहा है, और ई लोगों के जाने का टिकट कल का है, समझी? हाँ हाँ, काहे नहीं। अरे वाह, थैंक यू बुआ, ये हुई ना बात। अरे सुरेखा जी, आप खामखा परेशान होती हैं। उस गुंडे को सजा दिलवाना हमारा काम है, और हमने उसे सजा दिलवा दी है, हम केस जीत गए हैं। हाँ हाँ, अच्छा सुनिए, इन गुंडे उंडों से हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आप क्यों सुश्री को बता देंगी? लीजिए, जिसका नाम ले रहे थे वही लोग आ गए, आप फोन रखिए, हम ले आएंगे उसको, अब बता देंगे सुरेखा जी। अच्छा अच्छा ठीक है। नमस्ते पापा जी। कैसे हो तुम लोग? खुश रहो, खुश रहो। बढ़िया पापा, हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप तो हमसे आजकल मिलने ही नहीं आते। क्या बताएं बेटा, जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं ना, काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था, और ये आज का केस ये तो बहुत ही पेचीदा था। हम सुन रहे थे बाहर कोई बहुत बड़ा गुंडा था का? गुंडा नहीं बेटा, शैतान कहो शैतान, खून खराबा, किडनैपिंग, लूटमार, न जाने क्या क्या जुर्म किए थे उसने, लेकिन हर बार कोई ना कोई चालबाजी करके वो बच निकलता था। पापा हम जानते हैं कि आप बेस्ट हैं, लेकिन इस केस की वजह से आप पर कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम एक ईमानदार वकील की बहादुर बेटी हो, और तुम खुद भी तो वकील हो, खतरा होता है तो होने दो, लेकिन हम सच की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा ये सब जाने दो, ये बताओ तुम लोग आए कैसे? अच्छा सुनो, एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। अरे दीनदयाल भाई, कुछ नाश्ता पानी लेकर आओ। पापा बस आपका आशीर्वाद लेने आए थे, टाइम कम था इसलिए घर नहीं जा पाए। वो काहे पापा जी? कि हम लोग ना हनीमून के लिए उदयपुर जा रहे हैं। अरे वाह, और क्या है, बहुत काले और ये क्या है, ये छोड़ दो, किसी हट छोड़ेगी नहीं, कोई है सिक्योरिटी, हट जा यहां से, कोई है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भूलना कि हम तुम्हें छोड़ेंगे, हम तुमसे ऐसा बदला लेंगे ना, ऐसा बदला लेंगे कि तुम्हारी रात मार होगी। अरे जाओ जाओ, जो करना है कर लेना, जाओ यहाँ से, चल। बड़ा पापा जी पर हाथ उठाने वाला। पापा आप ठीक तो है ना? बेटा तुम बिल्कुल मत घबराओ, मुझे इन गुंडों उंडों से डर नहीं लगता, जिसका दामाद इतना बहादुर हो उसके ससुर को कुछ हो सकता है। अच्छा सुनो, हमें एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, हम जरा उसे निपटा लेते हैं। हाँ जाते जाते एक बात हम तुम्हें बता दें, विशु बेटा हमें इन गुंडों से चाहे डर लगे ना लगे, पर इनकी मम्मी से, उनसे जरूर हम खौफ खाते हैं। इसलिए उनसे जरूर मिल लेना तुम लोग, और अपना ख्याल रखना और खूब मजे करना। जी जरूर। बेटा तुम लोग चाय नाश्ता लेकर आता ही होगा, हम चलते हैं। जी पापा। चलो बाय बाय पापा, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हमें तो समझे में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ कहाँ रखे और कहाँ कहाँ छोड़ दिया, कुछ
अपना सब कुछ रख लिया। हम लोग कुछ दिनों के लिए उदयपुर जा रहे हैं, वहाँ बसने थोड़ा ना जाना, इतना सामान किस लिए? मिस्टर जी कहाँ बात कर रहे हैं आप, उदयपुर जा रहे हैं हम, वहाँ पता है हम सुने हैं कि वहाँ पे जो है ना एकदम बारा पत्थर वाला जो है महल है, बहुत बड़ा सा जीना महल, और वहाँ पे ना बहुत सारा झील है, बड़ा बड़ा झील और मंदिर, इतने सारे मंदिर है वहाँ पे, तो हम हर मंदिर में जो है अलग अलग सेल्फी क्लिक कराएंगे, तो अलग अलग साड़ी पहनेंगे ना, एक ही साड़ी में थोड़ी ना एक ही सेल्फी क्लिक कराएंगे। इसलिए मिस्टर जी एक तो आप वैसे हमारा कोई मदद कर नहीं रहे और यहाँ बैठे बैठे जो है डायलॉग बाजी कर रहे हैं। अरे हनीमून पे क्या तुम साड़ियाँ बदलती रहो? आहा, अभी रागिनी सिंह खुद ही हो जाएगी शट अप। एंड बाय द वे, तुम्हें ये कौन कहता कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुम अपने बैग में रखना कैसे भूल सकती हो रागिनी? इम्पोर्टेंट नहीं मिस्टर जी, हम तो सब कुछ रखे हैं, देखिए आपका जैकेट भी रखे हैं, हमारा साड़ी भी सब कुछ रख लिया है, कहाँ छूट गया? देखो देखो ये भी रखो, साड़ी अब प्लीज, ये वो पुराने पिक्चरों की हीरोइन वाले डायलॉग मत मारना कि नहीं आप बहुत ही बेशरम हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। प्लीज मत करना, क्योंकि इसको ऑर्डर तो तुमने किया है, तुमने मंगवा ही लिया है तो उसे पहन भी लेना। मिस्टर जी हुआ उदयपुर में ना बहुत ठंडा है, वहाँ पे ना देखो स्वेटर और जैकेट रखे हैं हम नहीं पहने। अरे ठंडा है तो क्या हो गया? आप ना अपना ये बेशर्मी वाला बातें बंद कीजिए, नहीं तो क्या? ये सब क्या है, हम ये सब नहीं लेके जा रहे होटल में, ये सब कुछ मिलेगा। अरे शिष्टी जी, पर हमारा तकिया और हमारा टेंट थोड़ी मिलेगा, हमारा टेंट लेकर आते हैं। टेंट भी आप टेंट थोड़ी लेके जाएंगे ऋषु जी, वहाँ होटल में बेड होगा और हम एक ही बेड शेयर करेंगे। ठीक है हम बेड शेयर करेंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि वहाँ और कहाँ कहाँ होगा। अच्छा अब ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि हम वहाँ कहाँ कहाँ घूमेंगे। हम आपको सब कुछ अभी बता देंगे, तो आपको सरप्राइज कर देंगे। अच्छा जी, मतलब आपने सारी प्लानिंग करके रखी और का? अपनी पत्नी के साथ पहली बार हनीमून पर जाएंगे तो प्लान नहीं करेंगे का? और हम ऐसे नहीं जाएंगे वहाँ पर, मैं ना हीरो हीरोइन बन के जाएंगे। हीरो हीरोइन बन के जाएंगे, लेकिन वो कैसे? गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इतना अनहार काहे है? बुआ तबीयत ठीक है तुम्हारा? हमको बुला लेती कोनो दिक्कत था ता? तबीयत नहीं दुलरिया, हमारा तो किस्मत ही खराब है, हमारे बच्चों पर जो है ना हमारा ही बस नहीं है। भगोड़ी रोहिणी उन लोगों का चहेती बन गई है कि हम क्या इतनी बुरी माँ है कि हमारे बच्चों का जो है वो बुरा सोचेंगे। अनुराग और रागिनी का जो है ना वो बेमेल जोड़ा है, मानते हैं कि हम ही रागिनी को जो है वो अनुराग तक जिंदगी में ले आए थे, लेकिन जब हम जान गए हैं रागिनी के होते हुए हमारे अनुराग का जो भविष्य वो कभी नहीं बन पाएगा, तब कैसे रहने दे उसका जिंदगी में उसको, इसीलिए ना उसको निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? अलो कहीं नहीं, खाली हनीमून तक जा रहा है, घूम के आ जाएगा सब चीज खत्म। अब लग सिर्फ घूमने नहीं जा रहा है, हनीमून मनाने जा रहा है। जानती हो हनीमून का मतलब? चार दिन का हनीमून ना जिंदगी का 40 साल तक असर दिखाएगा, और जो पति पत्नी का रिश्ता ना वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके आगे माँ की ममता तनिको भी दिखाई नहीं देगी, और यहाँ दूर बैठे बैठे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। छोड़ो जाने दो दुलरिया, तुम नहीं समझ पाओगी अपने बच्चों के लिए माँ के मन का दर्द क्या होता है, कि तुम माँ नहीं बनी हो ना अभी तक। ये सब हमको क्या सुना रही हुआ? ठीक है तो बात है, हमको क्या पता कि हनीमून क्या होता है, हमारा शादी कैसे हुआ है का तुमको पता नहीं है,
हम तो कहते हैं कि जेकर पति छोड़ के चला गया उसको का पता हनीमून का। आप जब पति नहीं है तब बच्चा कहाँ से होगा? ओकरा बिना तो हम समझ भी नहीं सकते हैं माँ का तकलीफ। अकलोल नहीं की बस करो अभी है। लेट हो, हम तो हमारा दुख के चलते बोल गए सब कुछ है। तुम्हारी फुआ को बस इतना ही जानी हो तुम, हम तुमको ताना मारेंगे। तुम तो हमारे साथ तब थी जब हमारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया था। तुमको और दिव्या को ना हम बराबर समझते हैं, बल्कि उससे ज्यादा प्यार करते हैं तुमको, कहे कि तुम हमारी लाडली भतीजी हो, समझी? हम झंडे करते हैं फुआ, और देखो बात का है, हम ना हंसते खेलते रहते हैं, सब भुला जाते हैं, हमारे दिमाग में सब नहीं रहता है। बाकी आज तुम कहा, लेकिन हम नहीं भूलते हैं दुलरिया, हमारा बच्चों के साथ साथ ना हम तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं। हमारा बस चले ना, तू जितना मंदिर है सब में जाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करे, समझी? को बात कहे, हम रोते हैं तो निम्न नहीं लगते है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो कह रहा हूँ, लेकिन वैसे भी तुमको ना माधुरी दीक्षित नहीं लगती हो, समझी? आपको लगभग नहीं करना है, हमको करीना कपूर लगना है। जुबान में तो तुमसे कोई पीछे ना रह जाए। अच्छा के हम चेहरा धो लेते हैं, इसे कोनो देख लेगा तो क्या कहेगा? अतः का मेकअप वो कह लेंगे। हाँ बाबूजी, उदयपुर यही बस हफ्ता भर के लिए जाएंगे हम, अपना खास ख्याल रखना। क्या हो गया बाबूजी, आप ऐसे काहे कह रहे हैं? जग्गू वो ससुर जेल से छूट गया। अरे तो बाबूजी आप काहे फिक्र कर रहे हैं, अभी कहे तो उसको परमानेंट वाला जेल पहुंचवा देगा हम सीधा ऊपर। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, हम अभी भी ना विकराल सिंह का बेटी रागिनी सिंह है। बात बताए, आजकल जो है ना हमें लड़ाई झगड़ा करने का हम सोचते ही नहीं है आजकल। हम ऐसे जो है ना बहुते बहुत खुश हैं हम। और एक बात बताए बाबूजी आपको, हमें जो है ना मिस्टर जी से जो है दोबारा से प्यार हो गया, और वो पीना बहुत ही अच्छा हुआ जी। बाबूजी अब आके फोन करते हैं आपको, फिर इसका कहानी जो है ना वो हम लिखेंगे आके, ठीक है? चलो बाबूजी बाय। अच्छा तो तुम चारों का पैकिंग तो अच्छे से हो गया ना? जी जी। देखो कुछ भूलना मत। हाँ फुआ, पैकिंग हो गई है, और आप ये समझ लीजिए कि जरूरत से ज्यादा ही हो गई है। अरे हाँ अनुराग बेटा, ये कुछ पैसे रख लो अपने साथ, सुनो वहाँ अच्छे से घूमना फिरना, हमारे दोनों बहुओं का ख्याल रखना। अब बहुओं का ख्याल रखेंगे, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, अभी हम बच्चे थोड़े ना रहे। अरे बिटवा रख लो ये पैसे विद्वान ने हमारी तरफ से दिए हैं, हमने लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। दादी लेकिन इतने सारे पैसे। पापा भाभी को ना और पैसे दे दीजिए, हमें वहाँ से बहुत कुछ मंगाना है, हमने लिस्ट भी बनाई है। और ये रो भाभी, इसमें जितना कुछ लिखा है ना हमें वो सब चाहिए। अरे बेटी, कंगन चूड़ी चप्पल साड़ी झुमका, इतनी छोटी सी लिस्ट, इससे क्या होगा, थोड़ी और बड़ी दो ना। अरे बाप रे दिव्या, ये सारा चीज जो है हम ले आएंगे, लेकिन इलाने से कहीं शहर हल्का ना पड़ जाए। दिव्या तुम पगला गई हो का है? इतना बड़ा पर्चा कोनो भरा देता है, है? तुम्हारे भैया भाभी जो है ना वहाँ हनीमून के लिए ना जा रहे हैं, तुम्हारे शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, परिवार से इतना दूर जा रहे हैं अकेले, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, समझेंगे हैं? बेटा हम क्या कह रहे थे, तुम चारों जा ही रहे हो तो हमारा एक काम करोगे? अब कैसा काम? माँ बोलिए। अब माँ कह रही है तो कोनो जरूरी है काम होगा तभी ना कह रहे। दुलरिया जो है ना बहुत दिनों से जो है उदास है बिचारी है, हमसे ना कह रही थी कि हुआ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम तो जानते हो इसका किस्सा, बिचारी ने बहुत दुख देखा है, तो हमसे कह रही थी कि उदयपुर तुम ना जा रहे हो, वहाँ मन्नत मूर्ति माता का मंदिर है, वहाँ जो भी प्रार्थना करता ना वो कभी निष्फल नहीं जाता है, वही कह रही थी हमसे कि माता जी का दर्शन भी करना है,
तुम लोग ही काम करो, अपना साथ जो है इसको ले जाओ, हाँ इसका दर्शन भी हो जाएगा, इसका मन का तसल्ली भी हो जाएगा, हाँ दुलरिया। हम जानते हैं बहुत अजीब बात है यार, अपना हनीमून पे कौन अपना दुखियारी बहन को जो साथ ले जाएगा, हाँ लेकिन अपा एक मतलब है कि हम नहीं जा पाएंगे का? अरे श्रीमती जी, दुलरिया बच्चों के साथ क्या करने जाएगी? मेरा मतलब है अगर उसे जाना ही है तो बाद में कभी चली जाएगी, हम ब्रिज के साथ उसे भेज देंगे। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, दुलारी को इन चारों के साथ भेजना अजीब लगेगा ना। तुम्हें सही कह रहे हैं आप लोग हैं, हमको भी ना बहुत हिचकिचाहट हो रहा था बोलने में, लेकिन क्या करें, इसका ये जो चेहरा है ना, ये देखकर हमारा भी मन जो है वो, खैर कोई बात नहीं जाने दो है। सासू मैया, हम ये कह रहे हैं कि आप जो है ना आप टेंशन मत लो, वो टेंपल में जाके ना हम जो है दुलारी दीदी की तरफ से प्रार्थना कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप सासू मां, और हम वहां से प्रसाद भी ले आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखा दुलरिया कितना नसीब वाली हो है तुम, ऐसी भौजी मिली है तुमको। और रानी, तुम दोनों का जो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कहा है ना वो मंदिर में जाके ना खुद ही से जो है वो मन्नत कथा का बांधना होता है, तभी ना मन्नत पूरा होता है, तो और काम हो सकता है। दुलरिया को जो है तुम अपना साथ ले जाओ जाते समय, और वहाँ जो है अलग से ना किसा ऑटो टैक्सी किसी में बिठा देना, वो अपना मंदिर दर्शन करके आ जाएगी। है माँ, अगर दुलारी दीदी हमारे साथ नहीं जाएंगी तो उनका वहाँ जाने का फायदा क्या है? बात देखिए, बात क्या है ना, नया शहर है, वहाँ पे नई जगह है, अगर बाई चांस दुलारी दीदी अगर कहीं खो गई तो फिर वो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये भी तुम एकदम सही कह रहे हो। हैं क्या करें, एक काम करते हैं, हम वो साथ चलते हैं, हम दुलरिया के साथ जो है वो मंदिर का दर्शन कराएंगे, और तुम लोग जो है वो अपना हनीमून देख लेना, हम कोनो धर्मशाला वगैरह में रुक जाएंगे, है तुमको कोनो दिक्कत नहीं होगा, ये तो ठीक है ना? श्रीमती जी, क्या बोल रही हैं आप, बच्चों के साथ आप हनीमून पे जाएंगे? मतलब कैसे बात कर रही हैं आप? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हमारा और दुलरिया का जो है वो अलग से ही ना इंतजाम करते हैं, हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जाने में तो कोनो रोक टोक नहीं ना है। चलो दुलरिया, जाने का तैयारी करते हैं, चलो। बुआ, वैसे तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में ना, तुम नहीं रहती तो हम क्या करते? माँ, आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक काम कीजिए, आप और दुलारी दीदी हमारे साथ चलिए। मैं क्या करूंगा ना, वहां पे कोई गाइड अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो आपको मंदिर ले जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। मिस्टर जी ठीक कह रहे हैं सासू मैया, आप दुलारी दीदी हमारे साथ ही जाएंगे। है देखा दुलरिया, हमारा बेटा और हमारा बहू जो है वो कितना अच्छा है, धन्यवाद है। चलो हम जाने का तैयारी करते हैं, फिर से एक बार शुक्रिया बेटा, चलो दुलरिया। अच्छा चलो। Guys, I'm really sorry. I know it's a little weird. I mean, बचपन से ही माँ की ऐसी हालत देखता हूँ ना, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। I just can't say no to her. अब तुम लोग मुझे इस मामले में थोड़ा वीक समझ सकते हो। नहीं अनुराग जी, वो बेटा जो माँ की हर बात मानता हो वो वीक नहीं होता, तो आप प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए। देखो, अब बाहर जाने के नाम पर भी तुम्हें तेजी नहीं आया है,
अभी तक पैकिंग भी नहीं की हो। आपका तुमको पता है हम लोग बाहर आ जा रहे हैं, वो चलते सब कितना खुश है। अनुराग बाबू का तो हम लोग का टिकट भी करा दिए है। जल्दी से सामान सब रखो ना भाई का, तुम भी अपना लड़काइये से हमको घूमने का कितना न मन था। देखो कैसा संजोग है कि तुम्हारे साथ है जाने का हमको मौका मिल रहा है। अब जो तुम मंदिर का नाम ले ले हो वो का सुने है बड़ा महिमा है। हम का सोचे है ना फुआ कि वहीं पे जाके हम आप मांग लेंगे कि तुम्हारे जो दामाद है हमको छोड़ के जो चल गए से चल आए का। आए सरिया रख लो, में तो तुम एकदम महारानी लगती हो। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना जरूर करेंगे दुलारिया, लेकिन हम वहां किसी और कारण से जा रहे हैं, और कारण है रागिनी और अनुराग के मिलन को हर हाल में रोकना। कर ले जितना नई मटक तक करना है उस रागिनी को, लेकिन अगर वो अनुराग के नजदीक भी गई ना तो हम दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।